हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की ये पहली वीडियो है एंड बात करें आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक दिग्गज कंपनी से रिलेटेड जो कि आने वाले टाइम में निफ्टी फिफ्टी का भी पार्ट बनेगी डेफिनेटली आज नहीं तो कल और अगर बात करें उस शेयर के रिजल्ट भी आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप कि उस वीडियो से रिलेटेड बातें करते हैं और जानते हैं कि ये कंपनी आगे कहां तक जा सकती है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रीवियस वीडियोज की तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फार्मा यहां पर बहुत अच्छे गेन आपको दे सकता है इन शॉर्ट टर्म तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा बाकी और भी बहुत सारे शेयर रिलेटेड वीडियो आपके पास आती रही है इन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं इसके अलावा प्लेलिस्ट आपके सामने है पर प्ले लिस्ट पे जाइए गो थ्रू करिए एक एक कर वीडियो को सीखिए सीख के यहाँ पर मार्केट में मा आएंगे आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा मार्केट किसी को भी निराश नहीं करता इफ यू विल लर्न इस इट्स फंडामेंटल इट्स टेक्निकल देन एट द टाइम यू विल मेक अ वेरी गुड मनी सो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं पर हम पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं तो इन आ, करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है ये इस क्वार्टर के रिजल्ट क्यू वन के ये Q4 के लास्ट के रिजल्ट है और ये क्यू फोर के क्यू वन के लास्ट ईयर के रिजल्ट है अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इनकम तो इन करोड़ में यहाँ पर तो फाइव 67 करोड़ यहाँ पर आ, का यहाँ पर इनकम हुआ है एज वेल एज इससे पहले की बात करें लार्ज क्यू फोर की तो सात सात हजार तीन सौ पचपन करोड़ था इससे पहले तीन हजार आठ सौ चौरासी करोड़ था तो अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है इवन दो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था स्टिल यहाँ पर अगर देखते हैं देखिए लॉकडाउन दोनों केसेस में लगे हुए थे यहाँ पर भी केसेज में लगा हुआ था और यहाँ पर भी और यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सख्ती कम थी बट इस पीरियड के दौरान पर शक्ति बहुत ज्यादा थी थ्रू आउट द इंडिया अगर बात करें तो पर अब धीरे धीरे सब कुछ अनओपन हो रहा है तो दोबारा कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट पेश करती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर अनलॉकिंग था इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट आया तो यहाँ पर इस वजह से अगर देखे तो ईयरली बेसिस पर अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट में गेन है तो यहाँ पर टोटल इनकम बट यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें यहाँ पर गिरावट है अगर इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की तो यहाँ एक्सपेंस भी देख सकते हैं चार करोड़ के एक्सपेंस है इस पर छह हजार सात सौ इक्यानवे थे इससे पहले तीन हजार आठ सौ अठारह करोड़ थे तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस तो बड़े हैं जैसे कि इनकम बढ़ी है बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर एक्सपेंस घटते हुए नजर आ रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एक पंद्रह करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपके सामने यहाँ देख सकते हैं आप एक करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले चार करोड़ का प्रॉफिट था इससे पहले बात करें तो केवल उनचास या पचास करोड़ कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ करता था ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा गेन यहाँ पर किया है बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस की तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासी गिरावट है और हम यहाँ पर बात करते हैं ईपीएस की तो अर्निंग पर रेशो की अगर बात करें तो एक वन यहाँ पर सॉरी वन पॉइंट सेवन एट रुपीज का यहाँ पर बेसिक ईपीएस है इससे पहले छह रुपए इकहत्तर पैसे का था इससे पहले सतहत्तर पैसे का यहाँ पर ईपीएस पी एस है ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट आया बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है और जैसे जैसे अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी तो ये शेयर भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा क्योंकि इसके बिजनेस हेम्पर हो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यहाँ पर काफी हम्पर होते हुए दिखाई दिए इस इधर ज्यादा होते हुए दिखाई दिए थे यहाँ पर अनलॉक मोस्टली हो गया था और यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर अनलॉक दोबारा हो गया था कंट्री इस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है तो जिस शेयर से रेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम जान लेते हैं तो उसका नाम है अवेनी सुपरमार्ट जिसे हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं डीमार्ट अगर हम बात करें ऑलरेडी हम वी हैव डिस्कस हम काफ़ी बार यहाँ पर वीडियो बनाई है तो यहाँ पर कंपनी करती क्या है तो ऑनलाइन यहाँ पर रिटेल बिजनेस एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पर कह सकते हो दोनों में ही ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और यहाँ पर अगर बात करें इनकी ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा बिकती हुई नज़र आती है इनके स्टोर्स काफ़ी है मुंबई एज वेल एज महाराष्ट्र में एज वेल एज बात करें यहाँ आस के एरिया में कर्नाटका राजस्थान गुजरात यहाँ पर उनके स्टोर है यहाँ पर, तो पर ग्यारह स्टेट में वन यूनियन टेरिटरी में विद 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया तो पर इतना अच्छा खासा इनका बिजनेस है आ, अगर बात करें महाराष्ट्र में इनके

क्योंकि मैं भी यहाँ पर देख चुका हूँ तो बट अगर बात करें एफ सेक्टर की तो यहाँ पर चीजें आपको सस्ती यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका खुद का एप्लीकेशन भी है जो कि जहाँ पर आप जाके इनके ऑर्डर कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर एरिया में होगा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो मार्केट कैपिटल की और ये की कंपनी है सबसे पहले बता देना चाहता हूँ इंडिया के टॉप टेन रिचे पर्सन में उनका नाम भी आया है और आपने मूवीज भी

तो इनके रिजल्ट तो इनके रिजल्ट देखिए हम देखते हैं क्वार्टरली वाइज पिछले बारह क्वार्टर का रिजल्ट तो हर क्वार्टर में अच्छा खासा पर यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी देती आई थी बट पर एक आ गया की वजह से पैंड पर अच्छी खासी बैंड बज गई थी दोबारा से अनलॉक हुआ था अनलॉक के बाद पर अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था फिर यहाँ पर एक अ, अ, यहाँ पर अनलॉकिंग शुरू सॉरी अनलॉक लॉक दोबारा हो गया था तो यहाँ पर गिरावट आई बट अदरवाइज यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया था और अच्छे खासे यहाँ पर नंबर भी थे ईयरली क्वार्टरली बेसिस अगर बात करें क्वार्टरली

बताती है इनके बिजनेस करना आता है 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट 1855 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज हो गया है और नेट प्रॉफिट की बात करें 60 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1155 करोड़ का प्रॉफिट हो गया यहां पर अनलॉकिंग आई सॉरी लॉकिंग थी तब यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है अनलॉक होता तो यहां पर ये यह, ये फिगर्स बिल्कुल ही डिफरेंट आपको नजर आते इसके अलावा बात करें यहां पर क्वार्टरली यहाँ पर रिजर्व्स की तो कंपनी के पास ग्यारह हजार पांच सौ छत्तीस करोड़ के रिजर्व बेहतर रिजर्व्स है बोरिंग की बात करें तीन सौ तिरानवे करोड़ की बोरइंग है कुछ भी बोरइंग नहीं है जो चाहे अभी चुका सकते हैं फिक्स एसेट की बात करें सत्रह सात हजार नौ करोड़ के फिक्स एसेट है और एक हजार बीस करोड़ रुपए का यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगे हुए हैं और जैसे जैसे ये यहाँ पर एड होते जाएंगे फिक्स एसेट में वैसे वैसे ये नंबर यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स है इसमें इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर देखना चाहे कुछ खास नहीं है बट अगर बात करें कैश इक्विवेलेंट की चौदह सौ छियालीस करोड़ रुपए का कैश करोड़ के आर ओसी ही बेहतरीन है यहाँ पर गिरावट आई है आपको बताइए अदरवाइज यहाँ पर कंपनी बीस परसेंट से भी ज्यादा के आर ओसी से यहाँ भागती हुई नजर आई है प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्रोमोटर्स बेचना ही नहीं चाहते यहाँ पर हंड्रेड परसेंट होता है बट यहाँ पर अगर बात करें ओ एफ एस की

प्रेजेंट की हिस्सेदारी इन नवील नरोहन ने यहाँ पर ले रखी है अगर बात करें पब्लिक के पास कितनी है तो कब पब्लिक के पास केवल छह परसेंट की है जिसमें आपको ऑपरेटर भी दिखाई देंगे और नॉर्मल पीपल भी दिखाई देंगे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी ऑलरेडी शेयर ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ओके okay, यहाँ पर काफी बार शेयर नीचे आया था आपको बताया भी गया था आप खरीदिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए एक न्यूज यहाँ पर मार्केट में चल रही है कि डी और और एज इनमें से कोई भी कंपनी निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बन सकती है ओके और जब ये पार्ट बनती हुई नजर आएगी अगर सेप्टेम्बर से, से, जब में जब यह पता चलेगा तो हमेशा याद रखिएगा शेयर फिर उसके बाद भागते हुए नजर आएगा तो अभी तो गिरने की कोई संभावना है ही नहीं नंबर अच्छे खास पेश कर दिया है कंपनी ने ओके एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी कोई खास

तो बाइंग सेलिंग के तो अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाकी जिसके पास भी शेयर है बिंदास होल्ड कर सकता है दस पंद्रह साल के लिए काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है और बहुत बेहतरीन यहाँ पर सब ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है इस कंपनी ने तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में दिया थैंक यू सो मच और ब्लस